कर्णप्रयाग चमोली से बड़ी खबर। जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत आम आदमी पार्टी में शामिल होकर कर्णप्रयाग विधानसभा से लड़ सकते हैं चुनाव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि इसके अनुसार कर्णप्रयाग विधानसभा में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। कर्णप्रयाग विधानसभा में एक बड़ा चेहरा चुनाव में दिखाई दे सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में पूर्व डिप्टी स्पीकर स्वर्गीय अनुसुईया प्रसाद मैखुरी के बहुत ही करीबी व गढ़वाल लोकसभा के पूर्व यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष व वर्तमान जिला पंचायत उपाध्यक्ष चमोली लक्ष्मण सिंह रावत कर्णप्रयाग विधानसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं घोषित। बीते दिनों कांग्रेस पार्टी से दे चुके हैं लक्ष्मण सिंह रावत इस्तीफा। पूर्व कैबिनेट मंत्री से चल रहे विवाद के कारण दिया था जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत ने इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड सह प्रभारी राजीव चौधरी के नेतृत्व में जल्द कर सकते हैं लक्ष्मण सिंह रावत आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण। मीडिया से बातचीत में ऐसी अटकलों को लेकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत ने बताया कि अभी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं से बातचीत चल रही है और जल्द ही इस तरह की कुछ भी चीजें होंगी तो वह आम जनता के सामने आ जाएंगी। अब देखना होगा कि इंतजार करना होगा कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है, परंतु यदि ऐसा होता है तो निश्चित ही कांग्रेस पार्टी को इससे भारी नुकसान होने के पूर्व आसार।